तो भैया से कह सबर रखे, सब ठीक हो जाएगा। अरे तू ही कहना। हे सिंह बोंगा, दया कर, सभी को जीवन दे। घबराओ मत सुगना भैया, भगवान सिंह बोंगा बहुत दयालु, सब ठीक हो जाएगा। आज कौन सा दिन है रे पासना? बृहस्पतिवार। बेटा हुआ है, सिंह बोंगा की कृपा है, सब ठीक है। आपा, ये जो आकाश में तारा जन्मा है ना, इससे लगता है यही हम सबका आपा बनेगा। पागल हुए हो तुम दोनों? क्यों, घर में चावल नहीं, ठीक तरह से कपड़े नहीं, ऐसे घरों में देवता जन्म दे है क्या? देख लेना बड़े भैया, यही हम सबका आपा बनेगा, यही उद्धार करेगा। बृहस्पतिवार को जन्मा है ना, इसका नाम होना चाहिए बिरसा। बिरसा बिरसा, यही नाम रखा है ना उन्होंने, तू कब बड़ा होगा रे बिरसा? 18वीं सदी के ब्रिटिश कालीन भारत में बिरसा का जन्म चालकाड़ के पास उलिहात गांव में हुआ। उस बालक के रूप में विदेशी दास्ता की जंजीरों में जकड़े भारत के उराव, मुंडा और खड़ी आदिवासियों ने अपना आबा यानी उद्धारक पा लिया। पिता सुगना मुंडा ने दरिद्रता से तंग आकर बालक बिरसा को उसकी मौसी के यहाँ भेज दिया। वो बांसुरी बहुत सुरीली बजाता था। संगीत की तन्मयता में बिरसा इतना खोया रहता कि उसे काम की सुध-बुध भी न रहती। नतीजतन एक दिन मौसी ने उसकी बहुत पिटाई की। डर कर बिरसा भागा हुआ पिता के पास पहुंचा। पिता ने उसे पास के गांव में रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचा दिया, जहां वो सालगा नामक गांव में जयपाल नाग की पाठशाला में लोअर परीक्षा पास करके चाईबासा के लूथरन मिशन में भेजा गया। मिशन के स्कूल में पढ़ाई करते हुए बिरसा को भारतीय दास्ता, दरिद्रता और अनेक अन्य दुखों के असली कारणों का ज्ञान हुआ। बिरसा ने शोषण के अनेक दर्दनाक दृश्य देखे। बिरसा जहां जिस ओर जाता, उसे बनवासी क्षेत्र के हर गांव में भय, आतंक और दरिद्रता देखने को मिलती। अबे ओए, साहब को बाहर तो आने दे। वो सब लोग आ गए ना? हाँ हुजूर, बहुत देर से बाहर बैठे हुए हैं। हाँ। राम राम भैया। राम राम। तुम लोग किस गांव के हो? मैं तुम्हारे गांव का कंटा मुंडा हूँ। मैं बुर्रा का माजी हो रहा हूँ। मेरा नाम तोरा मुंडा है, गांव बुरु। मैं बेलिया तोरपा गांव का रहने वाला हूँ, और ये है तीरी। मेरा नाम बिरसा है, बिरसा मुंडा। तुम लोग यहाँ किस काम से आए हो? देखता नहीं, साहब लोग बैठे हैं, इतनी सारी फौज खड़ी है। सलाम साहब। राम राम साहब। वेल वेल, ऑलराइट ऑलराइट। पी लो साहब। प्लीज बैठिए साहब। रात कैसे गुजरी आपकी? मेरा मतलब है, हाउ वाज योर नाइट? यस सर। और टेक टेक से आराम किया? वेरी गुड सर, वेरी गुड। वेल, शिकार का बंदोबस्त किया? यस सर, यस सर। हे, वो लोग आए? जी साहब। उनको लाइन में लगाओ, हम अभी आते। बहुत अच्छा सर। चाय सर। चलो खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, ठीक से लाइन में आओ, खड़ा हो। तो कंटा है ना तमाड़ का? जी सरकार। तेरे गांव से जागीरदार साहब को 2 घोड़े चाहिए। जो हुक्म मालिक। और तू बरू का तोरा मुंडा है ना? जी सरकार। कल 4 आदमी भेजना थाने में, और साथ में पालकी भी भेजना, हमारी मिसेस जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाएंगी। पालकी और आदमी पहुंच जाएंगे सरकार कल सुबह। ठीक है। तेरे यहाँ लड़का हुआ है ना? हाँ मालिक। टैक्स भरा तूने? कल ही कचहरी भर के आया हूँ हजूर। वो पिछले साल तेरे यहाँ एक लड़का होकर मर गया था ना? हाँ सरकार। वो क्या था? सरकार मेरे यहाँ तो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। अरे उससे कोर्ट कचहरी को क्या लेना है? आज क्या दिन है? शुक्र। अगले शुक्र तक भर देना, समझा? जी हजूर। और तू कौन है? मैं दाऊद, नहीं मेरा मतलब बिरसा मुंडा। यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं ऐसे ही। कुछ नहीं? अरे चल यहाँ से, चल। सुना तुमने? साहब आए हैं,
उनके लिए शिकार का इंतजाम करना है, दो बकरे चाहिए, मचान बांधना है और कम से कम 50 हाके वाले होने चाहिए, समझे? गोरे साहबों और उनकी दास्ता में आत्मसम्मान बेच चुके काले भारतीय जमींदारों जागीरदारों के अन्याय की प्रतिक्रिया युवक बिरसा पर हुई और उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो विदेशियों की नौकरी कभी नहीं करेगा। इस पर उसके पिता बहुत नाराज हुए। बिरसा! कुछ नहीं, कई दिनों से कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है बेटा, हम लोग पत्ते उबाल कर और पानी पी कर जी रहे हैं। तू साहब की चाकरी क्यों नहीं कर लेता? ये साहब की नौकरी क्यों करेगा? और तुम ही इसे आबा कहते थे ना? ये हमारा आबा है, ये हमारा उद्धारक है, ये हमारा उद्धार करेगा, ये हमें भूखा मारेगा, ये भूखा मारेगा। मैं निकल जा यहाँ से और अरुणे भी निकल जा, इनसे भूखा मिलती हमारी। चला जा इस घर से, निकल जा इस घर से, और ये पुस्तकें भी ले जा, इन पुस्तकों से हमारी भूख नहीं मिटती, इन्हें भी ले जा। ये हालत सिर्फ बिरसा के घर की नहीं, हर आदिवासी घर की थी, उनकी जो सदियों से जमीन फसलों और अपने गांवों के मालिक आप थे। पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें नष्ट कर जमींदार जागीरदार जज कचहरी जंगल के ठेकेदार और दलाल उन पर लाद दिए। बनवासी अपनी जमीन पर मालिक से नौकर हो गया। वो बेबसी भूख अंधविश्वासों और दमन के कारण एक सहमी लाचार जिंदगी जीने लगा। कहती फावड़ा कहाँ गए? वो तो वहीं छूट गए। अरे चल लेके आ। और तुम? पेट भर के खाना है? लीजिए बाबा। बस 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 बिरसा, बहुत दिनों के बाद ऐसा खाना मिल रहा है। लो मां। बेटा, ये खाना तू कहां से लाया? भगवान सिंह भोंगा ने जिंदा आदमियों को ना मरने के लिए दिया है मां। वो ईश्वर है, बड़ा दयालु है वो। नाना, ये पाप मत करना, ये खाना मत खाना। कैसा बाप रे दाना? पहले पूछो बिरसा से, कहां से लाया सब?
क्या बेचा इसने? बोल रहे बिरसा, ये दाल, ये चावल, नमक कहां से लाया? ये सब सोचने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं, क्या कहानी की कब्र खोद कर उसके गहने नहीं लाया तू? बोल। मुर्दे का धन? हाँ, मुर्दों का धन ही लाया हूं मैं, क्योंकि मुर्दों को ना धन की जरूरत होती ना ही उन्हें भूख लगती है। भूख जिंदा लोगों को लगती है, इसलिए धन भी होनी चाहिए। सब लोग देखो इसे, ये पागल ही नहीं, निश भी हो चुका है। अरे मेरा खून, इसने मुझे जीते जी मुर्दे की जी उठा के ला दी, बर्बाद कर दी मुझे, बर्बाद कर दिया मुझे। छोड़ो मुझे, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, चला जाओ इस घर से, वापस मुंह मत दिखाना, निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ इस घर से। ये घटना सन 1858 के उस दौर की है जब आजादी के लिए फिरंगी से जिहाद छिड़ा हुआ था। बिरसा ने इसी समय में आदिवासी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों की लगातार यात्राएं की, अपनी देश और जाति भाइयों की बेबसी का रहस्य समझा, आपसी फूट, गरीबी और जन संगठन का अभाव पाया। उसने उरांव, मुंडा, खड़िया आदि वनवासी मुखियों से भेंट की, उन्हें जागृत किया, शोषित पीड़ित आदिवासियों में ज्ञान और शक्ति की ज्योति जगाई। बिरसा भूखा प्यासा अनेक दिन जंगलों में ही काटता रहा, जहां जो प्राकृतिक चीजें उपलब्ध हो जाती उनसे भूख मिटा लेता, किंतु अपना जागृति अभियान चलाए रखता। पर आप? मेरा नाम आनंद पांडे, बंद गांव के जमींदार मनमोहन सिंह का मुंशी हूं। तुम कौन हो बेटे? जी मैं बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, नाम सुना है तुम्हारा। इधर तुम ही गांव-गांव में आदिवासियों से मिल रहे हो ना? हाँ महाराज। तुम्हें लेकर मेरे यहाँ आने वाले लोग अक्सर बातें करते हैं। आओ मेरे साथ, यहाँ नीचे मेरा घर है। पर महाराज आप? आओ, पहले हाथ मुंह धो, बाद में बातें करेंगे। पंडित जी डरो मत, तुम फिरंगियों से आजादी चाहते हो ना? आजादी चाहता तो हूँ महाराज, पर मैं भी चाहता हूँ, लेकिन आजादी उस तरह नहीं मिलेगी जिस तरह तुम समझते हो। आओ, आजादी जरूर मिलेगी, मगर उससे पहले तुम्हें बहुत कुछ करना होगा। और इस तरह आनंद पांडे की संगति में बिरसा ने बहुत कुछ सीखा समझा। यहीं उसने रामायण, महाभारत, गीता आदि धर्म ग्रंथों से संस्कृति और समाज की बुनियादी शिक्षा प्राप्त की। बिरसा गहन अध्ययन करता गया और इस अध्ययन के साथ साथ उसने स्वतंत्रता के लिए युद्ध करने के पहले आदिवासी समाज में वैचारिक जागृति पैदा करने पर विचार किया। बिरसा ने भारतीय धर्म ग्रंथों और दर्शन के अध्ययन के अतिरिक्त आयुर्वेदिक ज्ञान भी प्राप्त किया। वो दिन रात वनों में घूमकर जड़ी बूटियां इकट्ठी करता, उनकी औषधियों को लेकर खोज करता और आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग भी करता। कहते हैं कि बिरसा ने आश्चर्यजनक बुद्धि कौशल और श्रम से औषधि विज्ञान में प्रगति की। वो बड़ी से बड़ी और पुरानी बीमारियों का इलाज करने की क्षमता प्राप्त कर चुका था। अरे बिरसा तू, अरे भाई बिरसा आ गया, बिरसा आ गया, बिरसा आ गया भाई, बिरसा, अरे भाई बिरसा, अरे बिरसा, बिरसा आ गया, बिरसा आ गया, बिरसा आ गया, बिरसा, कितने दिन कहाँ था रे तू बिरसा? तेरा बेटा, तेरा बेटा आ गया, बिरसा, तेरा माथा कितना चमक रहा है रे? माँ, मैंने भगवान सिंह बोंगा के दर्शन किए। सिंह बोंगा के, सिंह बोंगा के, सिंह बोंगा की जय हो। सच, कैसा चमकता है तेरा चेहरा बिरसा, कुछ कहा तुझे सिंह बोंगा ने बिरसा? हाँ बाबा, उसने कहा कि कैसा भी रोगी हो अब मैं उसे ठीक कर सकता हूँ।
उसने मुझे हुक्म दिया है कि मैं मुंडाओं को फिरंगियों, जमींदारों और जागीरदारों से आजाद करवा दूं। सिंह बोगा, तू बड़ा दयालु है। सुनो, सब ध्यान से सुनो। सिंह बोंगा ने कहा है कि अब मुंडा लोग कंपनी सरकार का हुक्म ना माने, पुलिस मैजिस्ट्रेट साहब जागीरदार की बेगार ना करें, और अब अगर किसी ने ऐसा किया तो सिंह बोंगा उस पर नाराज होगा, उसका कोप होगा सब पर। नहीं करेंगे, आज से बेगार बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल, हम सिंह बोंगा को नाराज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। बिरसा के मुंह से भगवान सिंह बोगा ही बोल रहे हैं। तब भगवान की तरफ से मैं आपसे कुछ वचन लेता हूँ। सिंह बोंगा एक है और वो दिव्य प्रकाश के रूप में दिखता है, वही सभी को बनाता है, पालता है और समाप्त कर देता है। सिंह बोंगा ही हमारा संरक्षक है, ये याद रखो। और ये भी याद रखो कि भूत प्रेत नहीं होते, उन्हें मत मानो, अनेक देवताओं की पूजा मत करो, सिर्फ सिंह बोंगा को पूजो। सिंह बोंगा की ही पूजा करेंगे। सिंह बोंगा किसी भी पशु की बलि चढ़ाने से नाराज होता है। हम सब भूल करते रहे, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ हाँ, लेकिन अब नहीं करेंगे। बिरसा कहता है तो आप नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और सुनो, देवताओं की पूजा सिर्फ चावल और पाई से करोगे, और कसम लोगों के गाय की सेवा करोगे, सब पशु प्राणियों पर दया रखोगे, कसम लेते हैं, सदा शाकाहारी भोजन करोगे, मांस नहीं खाओगे, नहीं खाएंगे, मदिरापान नहीं करोगे। सिंह बोगा कहता है तो नहीं करेंगे। तुम लोग अपने अपने घर साफ सुथरे रखोगे, सादा कपड़े पहनोगे, शुद्धता के लिए घर पर सफेद झंडी लहराओगे, बड़े बूढ़ों का आदर करोगे, और अपने घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाओगे, ना कभी झूठ बोलोगे और ना कभी चोरी करोगे। ऐसा ही होगा बिरसा, अब हम सब ऐसा ही करेंगे। ऐसा ही करेंगे। एकजुट रहोगे और कभी आपस में लड़ोगे नहीं, और अपने फैसले हमेशा पंचायत से ही करवाओगे। फैसले तो पंचायत से ही होने चाहिए। पवित्र यज्ञोपवीत पहनोगे और सदा नहाकर ही भोजन करोगे। नहाना तो चाहिए ही। हर बृहस्पतिवार को छुट्टी रखोगे और अपना समय जप और ध्यान में बिताओगे। ऐसा ही होगा। तब एक दिन तुम जरूर फिरंगियों की कैद से आजाद हो जाओगे। बस थोड़े दिन इंतजार करना होगा। बिरसा में उनके भगवान सिंह बोंगा की तरह अनेक अद्भुत शक्तियां आ गई। बिरसा के पास दूर दूर आदिवासी गांवों से लोग आने लगे, रोगी, पीड़ित और लाचार। वो उन्हें दवाएं देता, उनकी जांच परख करता और फिर ये औषधियां आश्चर्यजनक प्रभाव दिखाकर रोगियों को ठीक कर देती। छोटा नागपुर क्षेत्र के दूर दराज गांवों से हजारों की तादाद में लोग उसके पास आने लगे थे, कोई इलाज कराने, कोई दर्शन करने। तमाड़ के दारोगा ने प्रभावशाली होते जा रहे बिरसा को लेकर डिप्टी कमिश्नर को शिकायत की। एक ओर अंग्रेज सरकार ने बिरसा के खिलाफ कार्रवाई की और दूसरी ओर बिरसा ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की, जिसके तहत समूचे इलाके में फसल नहीं बोई गई। लो क्या बोलना चाचा जैसे? जरूर बिरसा सबको भड़का रहा है। वो कहता है अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टूट जाना। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब है कि महारानी का राज जाने वाला है और उनका राज किन का? उनका हजूर बिरसा का, सारे मुंडाओं का, उराओं का। क्या पक्का है तुम? मैं ठीक कहता हूँ हजूर, सारे ट्राइबल उसके साथ हैं, सारे छोटे बड़े गांव वाले उसको भगवान की तरह पूजते हैं। उसने अंग्रेजी राज के खिलाफ सबको भड़का रखा है और सारे इलाके में उसने हिंदू कायदे कानून लागू कर दिए हैं। वो सन्यासियों की तरह रहता है और बीमारियों का इलाज करता है। यू मीन डॉक्टर है बिरसा? डॉक्टर तो नहीं है, पर इलाज कर लेता है। ठीक है, हम एक्शन लेगा। बिरसा के सैनिक मुख्यालय डुम्बारी बुरु पर अंग्रेजों ने जबरदस्त आक्रमण किया। हजारों आदिवासी स्त्री पुरुष और बच्चे मारे गए, पर बिरसा निकल गया। उसने पुनः सेना एकत्र करने का प्रयत्न किया। रोगोती गांव में वो अपनी पत्नी सहित ठहरा हुआ था। अंग्रेजों ने कुछ लोगों को लगा रखा था,
जिन्होंने बिरसा से उनके अनुयायी के नाते भेंट की और धोखे से उन्हें पकड़वा दिया। बाद में बिरसा को रांची ले जाया गया और उन्हें व उनके अन्य 80 साथियों को जेल में डाल दिया गया। मृत्यु पूर्व बिरसा को अंग्रेजों ने अपनी स्वतंत्रता की मांग से अलग होकर अनेक आकर्षण दिए थे, पर बिरसा ने उन्हें ठुकरा दिया। उन्हें जमींदारी, विशाल मात्रा में धन संपत्ति देने का प्रलोभन भी दिया गया था, किंतु देशभक्त बिरसा भगवान ने अंतिम श्वास तक केवल आजादी की लड़ाई लड़ी। वो सिर्फ अपनी माटी, धर्म और संस्कृति के प्रति समर्पित रहे। कुछ ही समय बाद अंग्रेज सरकार ने घोषणा की कि बिरसा का निधन हो गया है। मौत का कारण हैजा प्रचारित किया गया, पर कुछ सूत्रों के अनुसार शक्तिशाली बिरसा को धीमे धीमे जहर देकर मारा गया था। आज तक छोटा नागपुर क्षेत्र के असंख्य आदिवासियों में बिरसा को ईश्वर रूप में पूजा जाता है।